दोस्तों नमस्कार, मैं आपका विपिन कुमार। आज हेयर ट्रांसप्लांट का मेरा 20वां दिन है और हेयर जो मेरा है वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत जगह लॉस भी हुआ और बहुत जगह बढ़ भी रहा है। तो दोस्तों आज की जो मुद्दे हैं, आज के मुद्दे और नई बात पे हम लोग करेंगे। एक 2009 में एक ईश्वर बोल करके डॉक्टर मधु सर से ट्रांसप्लांट कराए थे, ईश्वर बोल के बंदा का, वो कर्नाटका के हैं। और मैंने परसों के वीडियो में डाला था, दो दिन पहले वीडियो में डाला था उनका, कि उनका हेयर अभी जो 50% हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी लॉस हो चुका है। तो लॉस होने का कारण मैं पुराने जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं सभी को खोज रहे थे 2008-9-10 का, जो उनका अभी रिजल्ट क्या है मैं जानना चाहता था और आप लोग के सामने रखना चाहता था। तो मुझे एक बंदा मिला, कर्नाटक का एक बंदा है जो मेरे व्यूवर है, वो फ़ोन किए और वो बताएं कि भैया ऐसे ऐसा बात है, जो एक आदमी जो है 2009 में हेयर ट्रांसप्लांट कराएं और उनका जो है अभी 50% जो है बाल फिर से जा चुका है। तो मैंने यूट्यूब में उनका वीडियो है ईश्वर जी का, आप हैदराबाद मधु सर मारिएगा तो आ जाएगा। तो उनका वीडियो भी मैंने इस वीडियो में दिया है और अभी लेटेस्ट उनका 2-3 फोटो मुझे मिला है उस बंदे से, तो मैं वो फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा। क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी हेयर जा सकता है? तो दोस्तों इस पर मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि जा सकता है, कारण कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेगी और जो दवा है वो सिस्टम से लेना है और आपको देखभाल बहुत ज़रूरी है। खाली हेयर ट्रांसप्लांट कराने से नहीं होगा, मैं आज 20 दिन में समझ पा रहा हूँ कि बहुत देखभाल और जत्न का ज़रूरत है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी। तो दोस्तों ईश्वर का जो है वो अभी 50% जो है वो हमने वीडियो देखा उनका पहले का 2009 का, उन्होंने 2556 ग्राफ्ट करवाए थे दिसंबर के महीने में और उनका जो है हेयर अभी 50% उनका फ़ोटो में मुझे दिखा कि लॉस हो रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं उनका फ़ोटो और वीडियो, जो अभी YouTube पे उनका था वीडियो वो वीडियो आपको थोड़ा दिखाते हैं और उनका लेटेस्ट फ़ोटो दिखाते हैं। अगर किसी बंदे को, किसी भाई को अगर पुराना 2008-7-9 तक का कोई भी ट्रांसप्लांट कराया है तो उसका क्या रिजल्ट अभी है, तो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, कारण कि मैं जानना चाहता हूँ और आप लोग के सामने भी रखना चाहता हूँ क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी हेयर जा सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, इन्होंने 2009 के दिसंबर में हेयर ट्रांसप्लांट कराए थे और इनका 2556 ग्राफ लगा था। तो इनका पहले का जो पोजिशन है ये देखिए आप लोग, फिर बाद का पोजिशन का हम अभी फोटो आपको दिखाएंगे। देखिए इनका 10 महीने के बाद का ये रिजल्ट है, 10 महीने के बाद इनका जो हेयर है सामने का पोजीशन अच्छा लग रहा है और रिजल्ट भी अच्छा हुआ था इनका। लेकिन आज 7-8 साल के बाद, 7 साल के बाद इनका पोजीशन अभी क्या है वो देखते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी क्या हेयर जा सकता है? तो देखिए अब हम लोग देखते हैं इनका अभी का पोजीशन, देख पहले का पोजीशन देख लीजिए, सामने तो मुड़ा हुआ था, फिर ट्रांसप्लांट कराने के बाद देखिए हेयर जो है इनका फर्स्ट क्लास हो गया। उनके बाद अब जो दिखाएंगे आपको हम इनका फ़ोटो ही जुगाड़ कर सके हैं और इनसे बात नहीं हो पाया मेरा, हमने कोशिश बहुत किया, ये कर्नाटका के हैं। तो दोस्तों अब दिखा रहे हैं हम, देखिए दोस्तों 7 साल के बाद ये ईश्वर जी का फोटो है जो मैं दिखा रहा हूँ आपका, इनका अभी हेयर का ये पोजिशन है, इनका जो बाल है अभी झड़ा है, देख लीजिए गौर से देखिए इनका बाल जो है 7 साल में झड़ा है। तो किस तरीका से झड़ा है